आज है 24 फरवरी 2002 की अगर पुरानी हेडिंग दिया है बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव माना क्या और नेगेटिव माना क्या? पॉजिटिव माना जो भी सोचे कल्याणकारी सोचे, अपने लिए भी कल्याणकारी और विश्व के लिए भी कल्याणकारी। और नेगेटिव माना, नेगेटिव माना अपने लिए भी बुरा सोच लें और दूसरों के लिए विश्व के लिए भी बुरा सोच लें, तो उससे वृत्ति कैसी बनेगी, कल्याणकारी या अकल्याणकारी? अकल्याणकारी बनेगी। बोला आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा का टाइटल कैसा बता दिया, विश्व कल्याणकारी। कौन बोल रहा है, किस तन में बोल रहा है? गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल बोल रही है। किसके लिए बोल रही है? बच्चों के लिए बोल रही है। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अपने लिए अगर बोले तो अपने मुंह से अपने को विश्व कल्याणकारी थोड़े ही कहेंगे। कोई अपने मुंह से अपने को कोई विश्व कल्याणकारी कहता है नहीं, ये तो करके दिखाने की बात है। इसलिए बोला आज विश्व कल्याणी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो ये कौन से बाप दादा हुए? जो चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणी। क्या भावना विश्व कल्याणी होगी तो अपने जीवन में सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करके जाएंगे या सिर्फ भारत की आत्माओं का कल्याण करके जाएंगे? सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करके ही जाना है। सारे विश्व में सिर्फ भारतवासी ही आते हैं या दूसरे धर्मों की आत्माएं भी आ जाती हैं, दूसरे देश भी आ जाते हैं, भी आते हैं? तो ब्रह्मा बाबा ने अपने लिए नहीं बोला, क्योंकि वो जब तक जीवित रहे तब तक भारतवर्ष में ही सेवा केंद्र खुले हैं, और जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया उसके बाद लंदन में पहला सेवा केंद्र उनत्तर में खुला। तो जरूर विश्व कल्याणकारी का पार्ट भी प्रैक्टिकल में शुरू हुआ होगा। इसलिए बोला बाप दादा। बाप माना कौन? सुप्रीम सोल के लिए विश्व कल्याणकारी और किसी एक देश का कल्याणकारी कहना ये कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो सुप्रीम सोल है, सिर्फ मनुष्य आत्माओं का ही पिता नहीं है। जितनी भी आत्माएं हैं विश्व में, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी, उनकी आत्माएं नहीं होती है क्या? उनकी भी आत्माएं विश्व के अंदर, तो उनकी भी आत्माएं, उनका पिता नहीं है क्या? पिता तो उनका भी है, लेकिन पहले पहले कल्याण किसका करने के लिए आता है? मनुष्य सृष्टि का।
तो जब मनुष्य सृष्टि का कल्याण करना जरूरी हो गया पहले पहले, क्योंकि मनुष्य सुधरता है तो सारी सृष्टि सुधरती है, मनुष्य बिगड़ता है तो सारी सृष्टि बिगड़ जाती है। तो जो मनुष्यों का पिता है उसमें आता है, जब तक मनुष्यों के पिता का कल्याण प्रवेश करके न करे तब तक विश्व का भी कल्याण नहीं हो सकता। तो बाप कहा गया, बाप का मतलब मनुष्यों का भी पिता है उस बाप में, और सर्व मनुष्य आत्माओं के साथ साथ जो भी आत्माएं हैं पशु पक्षी कीट पतंगों सब का पिता है, तो वो हो गया बाप। और दादा, दादा कहा जाता है बड़े भाई को, बड़ा भाई माना जो भी मनुष्य सृष्टि का पहला बच्चा है, बाप नहीं कौन पहला बच्चा कौन कृष्ण की सोल। तो कृष्ण की सोल जो सृष्टि का बड़ा बच्चा बनती है, दादा बनती है, उसके लिए बताया दादा। वो दोनों ही आत्माएं कैसी हैं, उनका टाइटल क्या दिया, विश्व कल्याणी बाप दादा। माना एक ही तन में है या अलग अलग है, ऐसे नहीं कि कृष्ण सतयुग में पैदा होगा तब विश्व कल्याणकारी होगा, विश्व कल्याणी उसका टाइटल होगा, नहीं। अभी वर्तमान में कृष्ण की भी सोल जो मनुष्य शक्ति का बाप है उसमें प्रवेश करके कार्य कर रही है, इसलिए कंबाइंड पार्ट है बाप दादा। तो उनके लिए ये विशेषण लगाया है विश्व कल्याणी बाप दादा। सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, हर एक बच्चे के मन के उमंग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। कैसे बने बाप समान, कैसे बिंदी बन जाए, पांच चार वर्ष परमधाम में पड़े रहे है? फिर कैसे बने, पांच हजार वर्ष पड़े रहे तो उससे विश्व का कल्याण नहीं होता है। तो बाप समान का मतलब हुआ जो विश्व का पिता है, मनुष्य शक्ति का पिता, जो हीरो कार्डधारी है, उस राम बाप जैसे बने। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश है। क्या श्रेष्ठ संकल्प बताया बच्चों का, बाप समान बने। साथ साथ ये भी देख रहे हैं क्या, क्योंकि यही नहीं देख रहे कि सब बच्चों के अंदर ये उमंग उल्लास है कि हम बाप समान बने। बाप समान का अर्थ तो बता दिया, सुप्रीम सोल बिंदु बाप समान बनने की तो बात ही नहीं। दादा लेखराज ब्रह्मा के समान बनने की बात हो सकती है, उनकी भी बात नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। जैसे और धर्म पिता इस शक्ति पर आए और इस शक्ति के ही संग के रंग में रख करके, रंग करके चले गए, प्रभावित होकर के शरीर छोड़ के चले गए, दुनिया नीचे ही गिरती गई। तो ऐसा लक्ष्य भी नहीं है। कैसा लक्ष्य है बच्चों का, ऐसा लक्ष्य है जो बाप विश्व का कल्याण करके तब इस शक्ति से वापस बच्चों को साथ लेकर के जाता है। तो ऐसे लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश हैं। साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है। क्या ऐसा लक्ष्य है, विश्व पिता जैसा लक्ष्य है, ब्रह्मा बाबा जैसा लक्ष्य नहीं है कि शरीर छोड़ दें और सूक्ष्म बतन से प्रवेश करके सेवा करें, ये लक्ष्य नहीं है। ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य है
ऊंचे से ऊंचा बाप है तो बच्चों का भी लक्ष्य ऊंचे से ऊंचे है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबरवार हो जाते हैं। इससे लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। जो सेवा की स्टेज पर निमित्त बच्चे हैं वो सदा एक ही संकल्प में रहते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें। कब होगा ऐसे संकल्प चलता है ना, बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आप सभी संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे। कौन बच्चे प्रत्यक्ष करेंगे हैं? जो पहले बच्चे स्वयं पुरुषार्थ करके अपने पुरुषार्थ को संपूर्णता की स्टेज में ले जाएंगे वही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो बाप का क्वेश्चन है बच्चों के प्रति कि वह डेट भी फिक्स की है कि वह डेट फिक्स होनी नहीं है। डबल फॉरनर्स कहते हैं कोई भी प्रोग्राम की डेट एक साल पहले फिक्स किया जाता है, ऐसे कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है। की है फिक्स? मीटिंग्स तो बहुत की है ना। क्या करते ही रहते हैं उसमें तो बहुत होशियार। आज फलानी मीटिंग है, कल फलानी मीटिंग है, कौन करते हैं मीटिंग है? अच्छा, अब पीवी के वाले मीटिंग नहीं करते? अभी भी कितने मीटिंग वाले आए हैं, तीन मीटिंग वाले आज भी बैठे हैं, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी बाप दादा देखते हैं? इस मीटिंग की डेट ये सर्व विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे सर्व आत्माओं के कल्याणकारी हैं। सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे? हरेक गुप्त पुरुषार्थ में लगन में है, ये भी बाप दादा देखते हैं। लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे? लगन तो है लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने में मगन रहना, अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने के प्रैक्टिकल स्वरूप में हो। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है, होना तो है ही और करना भी बच्चों को है ही। बाप तो बैकबोन है ही, तो बाप दादा देख रहे थे कि सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। बच्चों को जो कार्य करना है उसमें बाप को क्या बता दिया? सामने से नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? बैकबोन बन करके कराए रहा है। बैकबोन क्या करती है? सामने से डर दिखाई पड़ता है लेकिन सारा शरीर दिखा सदा हुआ किसके ऊपर होता है? बैकबोन के ऊपर। तो बाप दादा देख रहे थे सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र राकेट से भी चीज है, तेज काम करती है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो, जहां चाहो जितनी आत्माओं के प्रति चाहो वृत्ति द्वारा वहां बैठे बैठे पहुंच सकते हो। इसके लिए कहीं इधर उधर भागदौड़ करने की भी दरकार नहीं। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते
करते हो, अपनी दृष्टि भी और सारे सृष्टि की दृष्टि भी परिवर्तन कर सकते हो, सारी दृष्टि भी परिवर्तन हो जाती है। लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है, वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है, आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना, देखा है ना, मंदिर देखे हैं ना, डबल फॉरेस्ट में देखे हैं मंदिर, नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि आपके ही मंदिर हैं कुमारियां, आपके मंदिर हैं या इंडिया वालों के मंदिर हैं, कौन सी कुमारियों से पूछा, विदेश की कुमारियों से पूछा, आपके मंदिर हैं या इंडिया वाली कुमारियों के मंदिर हैं, विदेशी कुमारियों में और इंडिया वाली कुमारियों में क्या अंतर हो जाता है, हैं? कुमारियां विदेश, हाँ विदेश की कुमारियां जो हैं उन पर माँ बाप का कोई खास नियंत्रण नहीं रहता है, उनको स्वतंत्रता दी हुई होती है, और भारतवर्ष में कुमारियों के ऊपर बहुत नियंत्रण रखा जाता है। तो पूछा, कुमारियां आपके मंदिर हैं या इंडिया वालों के मंदिर हैं, सभी के मंदिर हैं, अच्छा मुबारक, सभी के मंदिर क्यों बता दिए, सभी के मंदिर इसलिए बता दिए कि विदेशी कुमारियां जब स्वतंत्र रहेंगी तो कुमारियां बन करके रहेंगी या माताएं बन जाएंगी, तो माताएं बन जाएंगी, क्योंकि दुनिया में पुरुष तो दुर्योधन तो शासन की लिस्ट में डाल दिया, वो तो छोड़ने वाले है ही नहीं, तो कन्याएं जो है वो माता की लिस्ट में जब पहुंच जाती है तो कौन सी कुमारी बनती है, अनंत कुमारी का भी मंदिर है, क्या बोला अभी है? तो बोला, देखा है ना, मंदिर देखे है ना, डबल फॉल्स ने देखे हैं, कुमारियां आपके मंदिर हैं या इंडिया वालों के मंदिर हैं, सभी के मंदिर, कोई के कन्याकुमारी के मंदिर हैं और कोई के अदर कुमारी के मंदिर हैं, अच्छा मुबारक, मंदिर की मूर्तियां प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रही है, अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही है, कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं मंदिरों में जाकर के पूर्ण कर रहे हैं, तो हैं चैतन्य मूर्तियां, अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ, क्योंकि मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो तो जड़ हैं और आप चैतन्य मूर्तियां हो, तो वाइब्रेशन फैलाओ, लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है, पांडव लेकिन शब्द अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता, लेकिन है या खत्म हो गया है, इसलिए सबसे सहज विधि है पहले हरेक अपने अंदर चेक करो, एक सेकंड में चेक कर सकते हो, अभी करो, सेकंड दे में क्या कि बोलने में सेकंड मिल गया, अभी अपने अंदर चेक करो मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई निगेटिव वाइब्रेशन है,
क्या पूछा है? किसी आत्मा के प्रति। अगर बाबा पूछ रहे हैं तो ऐसे नहीं कि बी कैसे ही पूछ रहे हैं, पी बी कैसे नहीं पूछ रहे हैं, दोनों से पूछ रहे हैं। बी के हैं तो उनसे भी पूछ रहे हैं। कोई ऐसी आत्मा तो नहीं है जिसके प्रति नेगेटिव वाइब्रेशन खत्म ही नहीं होता है? क्योंकि भीगों का वाइब्रेशन किसके प्रति ज्यादा चलता है? बीबी के प्रति। उनके प्रति ज्यादा वाइब्रेशन चलता है, ये शंकर पार्टी है। और पीवी का किसके प्रति चलता है? अंदर अंदर ही चलता। वो भी जी अंदर से कहा हुआ है। तो चेक करो, नेगेटिव वाइब्रेशन है कोई भी आत्मा के प्रति है? क्योंकि ये तो जन्म जन्मांतर के राजा हैं। राजाओं ने क्या किया? श्रेष्ठ जन आपस में लड़ते झगड़ते रहे, तो जो लड़ते झगड़ते रहेंगे उनके अंदर तो ईर्ष्या देश जरूर चलेगा, क्योंकि 63 जन्म की संस्कार अभी रील में उभर करके सामने आ रहे हैं। अगर विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, अपने मन में किसी भी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन दूसरा पे या नेगेटिव है, सच्चा वाइब्रेशन है लेकिन फिर भी अगर नेगेटिव है तो अब विश्व परिवर्तन नहीं कर सकेगा। भले सच्चाई भी है वाइब्रेशन में, लेकिन सच्चाई होते हुए भी अगर नेगेटिव है, सच्चाई क्या? ये चोर है, किसी के प्रति ये वाइब्रेशन है और है भी चोर। मान लो सच्चाई है कि है भी चोर, लेकिन फिर भी चोर के प्रति भी क्या वाइब्रेशन होना चाहिए? ये बदल जाए, सुधर जाए। चोर है, संग के रंग से कन्वर्ट हो गया है, चोर बन गया है, तो वह हमारे संग के रंग से बदल जाए। अच्छे संग के रंग से सत्य बाप आया हुआ है, सत्य बाप के संग के रंग से सच्चा हो जाए। तो सच्चा वाइब्रेशन भी है लेकिन अगर नेगेटिव है तो वह विश्व परिवर्तन नहीं कर सकता, बाधा पड़ती रहेगी, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे हैं कहते हैं वो है ही ऐसा, तो हमारे वाइब्रेशन क्यों नहीं चलेंगे नेगेटिव है ही ना, तो वाइब्रेशन तो भी होगा ना। बाप को भी ज्ञान देते हैं, बाबा आपको पता नहीं है वो आत्मा है ही ऐसी, लेकिन बाप पूछते हैं वो खराब है, रंग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपनी वृत्ति में रखो, ये बाप की छुट्टी है। खराब को खराब के रूप में अपनी दृष्टि और वृत्ति में रखो, ये बाप की छुट्टी है। जो समझते हैं ये बाप की छुट्टी नहीं है, वो एक हाथ उठाना, एक हाथ उठाना दो हाथ की थाली नहीं। क्या मतलब? एक हाथ उठाना दो हाथ की थाली नहीं, पीछे वाले उठा रहे हो, इनका टीवी में दिखाओ। जो पीछे आए हैं वो पीछे वाले, इनका उठाया हुआ हाथ टीवी में दिखाओ। दादी को बोला आप देख रही हो ना क्या कि पीछे आने वालों ने उमंग उत्साह से हाथ उठाए दिया। अच्छा,
याद रखना हाथ उठाया था, डबल फॉरनर्स ने हाथ उठाया, बाप दादा की टीवी में तो आ ही रहा है। जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की व्यक्ति से कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन निगेटिव है, तो विश्व कल्याण वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला ही नहीं सकेगा। क्या निगेटिव वाइब्रेशन अगर है तो विश्व कल्याण का वाइब्रेशन फैलाते हुए भी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ये पक्का समझ लो। कितनी भी सेवा कर लो, रोज आठ आठ भाषण कर लो, योग शिविर कर लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। अच्छा, वो खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? नहीं बन सकते क्या? दुख में मदद नहीं करना है उसको, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। अगर कोई ऐसी भी आत्मा है जो आप समझते हैं बदला नहीं है, चलो आपकी जजमेंट में वह बदलने वाली नहीं है, लेकिन नंबर वार की लिस्ट में तो है ना कि वो भी नहीं है, है? नंबर वार की लिस्ट में तो है, तो आप क्यों सोचते हो ये तो बदलने वाली है ही नहीं, आप क्यों जजमेंट देते हो? फिर कौन देगा? है कि ये तो सुप्रीम जस्टिस बाप है ना, वो खुद जजमेंट देगा, आप क्यों जजमेंट देते हो? वो तो बाप जज है ना, आप सब एक दो से दो के जज बन गए हो क्या? ऐसा नहीं है, आप सब एक दूसरे के जज मत बनो। बाप भी तो देख रहा है ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखो, देखा कैसा भी बार बार गलती करने वाला, कैसी भी आत्मा रही हो, लेकिन बाप दादा विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने सर्व बच्चों के प्रति याद प्यार, सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा ना, दो चार करुए और बाकी मीठे कहा क्या? फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति ही सदा रहम दिल बने, क्षमा के सागर बने, लेकिन अच्छा आपने अपनी वृत्ति से किसी के प्रति भी मगर अगर निगेटिव भाव रखा, इससे आपको क्या फायदा है? कुछ फायदा होगा क्या? अगर आपको इसमें फायदा है फिर तो भले रखो, छुट्टी है। अगर फायदा नहीं है, परेशानी होती है, वो बात सामने आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। बाप दादा देखते हैं उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए, तो जिस बात में अपना कोई फायदा नहीं है, नॉलेजफुल बनना अलग चीज है, नॉलेज है ये रंग है, ये राइट है, इस बात की नॉलेज रंग और राइट की नॉलेज है, नॉलेजफुल बनना रंग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना ये रंग है, क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, याद की कम पावर हो जाती है, नुकसान हो जाता है। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो तो ये तो आत्माएं हैं। क्या था? प्रकृति तो जड़ है, तो जड़ बुद्धि जो है उसको भी आप परिवर्तन करने वाले हो,
प्रकृति परिवर्तन होगी तो सृष्टि परिवर्तन होगी, कि प्रकृति के बिना परिवर्तन किए सारी सृष्टि परिवर्तित हो जाएगी, प्रकृति में तो परिवर्तन होगी ना। तो जड़ प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हो तो चैतन्य आत्माओं को परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसे परिवर्तन करने के लिए तो सुप्रीम सोल बाप आया हुआ है, ज्ञान सुना करके चैतन्य आत्माओं में भी मनुष्य आत्माओं में भी परिवर्तन का बीज आरोपण कर रहा है। तुमको किस बात की चिंता है, वो तो होना ही है। तो जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो तो ये तो आत्मा है, वृत्ति वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों का संबंध है, वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं। क्या हमारी अच्छी वृत्ति है तो वाइब्रेशन भी, तरंगें भी अच्छी फैलेंगी। वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो तो तीव्र गति का प्रयत्न है, सब अपनी वृत्ति को अपने लिए दूसरों के लिए पॉजिटिव रूप में धारण करें। नालिश फुल भले बनो, वो मूल वृत्ति है। चाहते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो तो तीव्र गति का प्रयत्न है, सब अपनी वृत्ति को अपने लिए और दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। नालिश फुल भले बनो लेकिन अपने मन में निगेटिव धारण नहीं करो। निगेटिव का अर्थ है किचड़ा। क्या मन में ही बुद्धि में अगर निगेटिव समाय लिया तो आत्मा कैसी बन जाएगी, पचड़े वाली बन जाएगी। अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया है वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। शिक्षा तो 63 जन्म धर्म गुरु लोग भी देते चले आए, लेकिन सृष्टि का परिवर्तन हुआ क्या? बहुत धीमी गति से परिवर्तन होता है, होता तो है लेकिन बहुत धीमी गति से और अल्पकाल के लिए होता है। अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नालिश फुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। देखो प्रत्यक्ष देखा है आप सबने, मधुवन में जो भी आते हैं सबसे ज्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है, वायुमंडल का। चाहे सभी नंबर वार हैं यहाँ भी, लेकिन ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, बाप दादा की वरदान भूमि है। क्या कहा? यहाँ भी माना मधुबन में माउंट आबू में चाहे सभी नंबर वार हैं लेकिन ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, बाप दादा की वरदान भूमि है, वो वायुमंडल परिवर्तन कर देता है। अनुभव है। जहाँ भी बोला जाए वहां के लिए भी बोला है। नंबर वार तो यहाँ भी है, नंबर वार माउंट आबू में भी है, भी लगा है। भी लगा होने का मतलब ये है कोई और स्थान भी है। तो बाप दादा की वरदान भूमि है वो वायुमंडल परिवर्तन कर देता है, कर्म भूमि है वो वायुमंडल परिवर्तन कर देता है। अनुभव है ना। तो वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना यह है तीव्र गति का दिल का था।
वायुमंडल दिल में छप जाता है और सुनी हुई बातें भूल सकती है क्या, लेकिन वायुमंडल की जो छाप पड़ती है वो भूल नहीं सकती। वायुमंडल का दिल पर छाप लग जाता है, वो छाप अविनाशी हो जाता है। चौबीस फरवरी की अगस्तवाणी का तीसरा पेज ऐसे है ना, तो बाप दादा सुनते रहते हैं प्रत्यक्षता कब होगी, आपस में रू रिहान तो बहुत अच्छी करते रहते हैं। अच्छा है, बोलो पांडव क्या करेंगे सभी, अभी पांडव क्या करेंगे, वायुमंडल पावरफुल बनाना, चाहे सेवा केंद्र है चाहे जो भी स्थान है, प्रवृत्ति में हो तो भी वायुमंडल पावरफुल, चारों ओर का वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न रहम दिल शुभ भावना शुभ कामना वाला बन जाएगा तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं। अभी बाप दादा ने जो डेट दी है वो बाप दादा को याद है, हिसाब तो पूछेंगे ना, हर एक ने अपना अकाउंट तो रखा है ना, तो अकाउंट में बाप दादा यही चेक करेंगे, वृत्ति में दृष्टि में बोल में रहम दिल शुभ भावना और शुभ कामना वाली आत्माएं कितने परसेंटेज में रही। अभी भी 15 दिन तो होंगे ना, ज्यादा है। अच्छा, जिसने नहीं भी किया हो तो 15 दिन भी कर लेना तो भी पास कर लेना, बीती को बिंदी लगाना और रहम के सिंधु बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना। बाप दादा ने ड्रिल कराई, सुना सभी ने। अच्छा, तीन मीटिंग वाले जो आए हैं स्पार्क वाले एक हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा, अभी इसी विषय पर रिसर्च करो, वायुमंडल कैसे प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ बनाए सकते हैं, रिसर्च कर रहे हो ना, ऐसा वायुमंडल बनाने के लिए क्या क्या बुद्धि में रखना है, क्या क्या कर्म में करना है, संबंध संपर्क में करना है। अच्छा है, अपने आप को बिजी रखते हो, अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा ये प्रैक्टिकल अनुभव देखना चाहते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल किया और उसका परिणाम क्या निकला। अगर बीच में कुछ भी रुकावट आई तो क्या आई, ये अनुभव प्रैक्टिकल करके देखो, सिर्फ पॉइंट्स नहीं निकालना, ये करना है। पॉइंट्स निकाल लेते हैं, यह करेंगे यह करेंगे यह करना है, नहीं करो, अनुभव करके एग्जाम्पल बन करके दिखाओ और वो एग्जाम्पल औरों को भी सहयोग देगा, ठीक है ना। यह निमित्त है ना, कौन रमेश भाई की तरफ इशारा किया, यह निमित्त है ना, किस बात के, मीटिंग करने के लिए नहीं बोला, अभी मीटिंग करने की बात नहीं हो रही है, क्लास के लिए निमित्त है, हाँ नहीं अभी बात किस बात के लिए हो रही है, हाँ अनुभव करके एग्जाम्पल बन करके दिखाओ
और वो एग्जाम्पल औरों को भी सहयोग देगा, ठीक है ना? ये रमेश भाई निमित्त है ना, रमेश भाई उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया है, है? बाबा तो सब बेहद में बोलते हैं, है? बेहद का मतलब क्या हुआ? रमा इज, रमा किसको कहा जाता है? पार्वती का नाम रमा है, तो पार्वती का इज कौन हुआ? उसको तो बहुत नीची नजर से देखते हैं। तो ये निमित्त है ना। अच्छा है। बाप दादा अभी भी 15 दिन पड़ा है, इस बात में 15 दिन पड़ा है, गति और वायुमंडल को परिवर्तन करने के लिए जो टाइम दिया है उसमें 15 दिन पड़ा है, अभी लास्ट नहीं हुआ है। अब कितने दिन हो गए? है? 2 दिन। अभी बहुत गया, लेकिन थोड़ा रहा है। तो स्पार्क वाले ऐसा प्रैक्टिकल करके देखो और औरों को दिखाओ, ठीक है? कर सकेंगे, हो सकेगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरी मीटिंग है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट वाले तो सबको सुख देंगे। ट्रांसपोर्ट वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बहने बहनों के बिना तो गति नहीं है। ट्रांसपोर्ट वाले क्या करेंगे? सिर्फ यात्रा कराएंगे? ट्रांसपोर्ट वाले ऐसे आपस में प्रोग्राम बनाओ जो किसी भी आत्मा को कम से कम समय में दुख की दुनिया से पार करके थोड़े समय के लिए भी शांति की यात्रा करा सको। चलो, परमधाम तक तो पहुंचना मुश्किल है क्या? परमधाम तक तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन दुख की दुनिया की शांति की यात्रा तो कर सकते हैं। वो प्लान तो बहुत बनाओ। चारों ओर की यात्राओं वाले, जो भी चारों ओर की यात्रा करने वाले हैं, उनको बाप दादा का संदेश तो पहुंचा रहे हैं, पहुंचाएंगे ही, क्योंकि कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। ये अच्छा है, जो वर्गों की इन्वेंशन निकाली है ये अच्छी है, उन्हें ना नहीं मिलेगा। कोई भी वर्ग नहीं रह जाएगा, हर एक अपने वर्ग को आगे बढ़ाने का उमंग तो रखते हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जो भी वर्ग बने हैं, कितने समय से वर्ग चल रहे हैं? 1.5-2 साल हो गए या ज्यादा हो गए? कोई ने कहा 10-12 साल हो गए। वर्गों की सेवा को 10-12 साल हो गए, अच्छा बहुत टाइम हो गया। वर्ग वालों के लिए बाप दादा का एक संकल्प है। बाप दादा ने 2-3 बार कहा है, लेकिन हुआ नहीं, कि हर वर्ग ने जो भी जितने समय में भी सेवा की है, उसे एक एक वर्ग के विशेष संसेवल, चाहे सहयोगी हैं चाहे हाफ योगी हैं, कभी कभी आते हैं, रेगुलर नहीं है, ऐसे कोई हर वर्ग वाले कम से कम 5 तो सब वर्ग के सामने आने चाहिए। मधुवन में वो सभी देखें कि वर्ग वालों ने चाहे 10-12 हो, लेकिन 5 तो आओ पक्के, अच्छे सहयोगी। सेवा के निमित्त बनने वाले 5-5 को निकल सकते हैं या नहीं? सेवा करते टाइम कितना हो गया? 10-12 साल। लेकिन मांग कितने की कर रहे हैं? 5-5 तो आओ। एडवांस के लिए भी बोल रहा है, तो वहां के लिए भी बोल रहा है। वहां स्थूल रूप में वर्गों की सेवा हो रही है, और यहाँ भी तो वर्ग तैयार हो रहे हैं। कितने वर्ग तैयार हो रहे हैं? माला में कितने वर्ग हैं? 9 वर्ग हैं। 10 वहां नास्तिकों का, नस्तिकों का, वो माला तो नहीं है।
लेकिन बंद तो है ना बाबा, उन्होंने के बोला कि 500 कम से कम आए एडवांस। 500 तो निकले, निकल सकते हैं या नहीं? निकल सकते हैं तो लाओ, पांच पांडवों को तो मैदान में लाओ, तभी लाए वो दादियों के ऊपर। वो फिर ऐसे बाप दादा से मिलने के लायक हो क्या? बाप दादा से मिलने के लायक हो, पांच तो निकल ही सकते हैं, ज्यादा नहीं कहते हैं। दादी मन जिन्होंने दा को दिया, दा माना दान देना, दो 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 भीख मांगते रहते हैं। तो ये दादियां पास करेंगी। चौथा पेज, तीसरी मीटिंग इंजीनियर्स की है, बहुत अच्छा। इंजीनियर्स का तो काम ही है प्लान बनाना, क्या प्रैक्टिकल तो कुछ कर नहीं सकते, क्या काम करेंगे? प्लानिंग ज्यादा बनाते हैं। तो तीव्र पुरुषार्थ का कोई प्लान बनाया कि सिर्फ सेवा का बनाया? इंजीनियर्स को हर मास तीव्र पुरुषार्थ का कोई नया प्लान बनाना चाहिए, राय देनी चाहिए, फिर फाइनल तो दादियां करेंगी। दादियां आपके साथ ही हैं, लेकिन इंजीनियर्स और साइंस विज्ञान वालों को ऐसा कोई प्लान बनाना चाहिए जो जल्दी जल्दी नई दुनिया आ जाए। बस यही मीटिंग करते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे, आखिर कब तक? कोई तीव्र गति के प्लान बनाओ, क्योंकि लक्ष्य तो आपके वर्ग का यही है कि ऐसे प्लान बने जो अपना राज्य जल्दी से जल्दी आ जाए। तो ऐसा भी प्लान बनाओ और सेवा में भी थोड़े समय में ज्यादा सफलता प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसा प्लान बनाओ। बनाएंगे ऐसे प्लान बनाएंगे ना, लास्ट टर्म में सब रिपोर्ट सुनेंगे, हरेक वर्ग ने सफलता को तीव्र बनाने का क्या प्लान बनाया। सिर्फ बनाना नहीं है, 15 दिन उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिकल में लाना है, ठीक है ना? प्रैक्टिकल होना है ना, अभी एक दो में सभी कहते हैं बाप दादा तो सबकी रूढ़ियां सुनते रहते हैं, सभी कहते हैं प्रत्यक्ष हो प्रत्यक्ष हो, लेकिन पहले प्रत्यक्ष आप तो हो जाओ, बाप भी इसके द्वारा प्रत्यक्ष होगा, आप द्वारा प्रत्यक्ष होगा ना। अच्छा, अभी कुमारियों की सेरेमनी है, बहुत अच्छा लग रहा है, उठ जाओ, गुलदस्ता हिलाओ, बैठ जाओ। सभी ने देख लिया कुमारियों के ऊपर बाप दादा को सबसे ज्यादा नाले, कुमारियां और फॉरेन से, कहां से? कुमारियां और फॉरेन से, डबल फॉरेनर्स कुमारियां, 110 निकले। ये बाप दादा को बहुत अच्छा लग रहा है। निकली होंगी, आई होंगी वहां सामने। पद्मा पद्म गुणा मुबारक है कुमारियों को। अच्छा, कुमारियों से बाप दादा का वैसे पर्सनल विशेष प्यार है, क्यों है? क्या कारण है? कारण बाप दादा समझते हैं कि विदेश में रहते कुमारी सुकुमारी बन गई, बन गई, कितनी बात उसे बच गई।
तो कुमारियों का बचना बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। और देखो कुमारियों से विशेष प्यार है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कुमारी को पहले पहले सबसे जल्दी दहेज मिलता है। फैन कर दो इसमें देखो कितनी टीचर्स हैं, सेंटर संभालने वाली, इसमें जो कुमारियां सेंटर संभालने वाली हैं वो उठो। आपको तो वर घर दहेज सब कुछ मिल गया आपको, तो इसको कौन सी कुमारियों को सिर्फ टीचर्स नहीं जो किसी सेंटर के इंचार्ज है, आपको तो घर घर दहेज सब कुछ मिल गया, तो विशेषता है ना कुमारियों की। बाप दादा को खुशी होती है, एक एक कुमारी को क्लास में अपना परिचय देना है, मैं कौन, स्टैंप लग जाएगी ना और पक्की। तो बाप दादा को कुमारियों का संगठन बहुत प्यारा है, एक एक कुमारी कितने परिवारों का कल्याण करेगी। इंडिया में कहते हैं कुमारी हुआ है जो 21 कुल का कल्याण करेगी। बाप दादा से कहते हैं कुमारी ब्रह्मा कुमारी हुआ है जो आत्माओं के 21 जन्मों का कल्याण करेगी। आत्माओं के 21 जन्मों का कल्याण करे, बहुत अच्छा। कितने जन्मों का? 20 या 19 जन्मों का कल्याण करे वो कुमारी नहीं। उसका मतलब ये है कि जो 20 और 21 जन्मों का कल्याण करने वाली होगी वो खुद भी 20-21 जन्म लेने वाली ही होगी, और जो पूरे 21 जन्मों का दूसरों का कल्याण करेगी तो खुद भी सूर्यवंश में आएगी या चंद्रवंशी इसके घराने में आएगी। चंद्रवंश घराने में आएगी तो कुछ न कुछ कम हो जाएगा, इस्लाम वंश घराने में आएगी तो एक जन्म कम हो जाएगा। तो बहुत अच्छा किया, डबल फॉरेनर्स में भी कुमारियों की टीचर कौन है? डबल फॉरेनर्स जो भी हैं उन्होंने सेवा कराई है, बहुत अच्छा किया। और बाप दादा ने रिजल्ट देखी है, अच्छे उमंग उत्साह से किया है। क्या कहा, क्या पूछ लिया बीच में, कुमारियों की टीचर कौन है? डबल फॉरेनर्स जो भी हैं उन्होंने सेवा कराई, बहुत अच्छा किया। और बाप दादा ने रिजल्ट देखी, अच्छे उमंग उत्साह से किया है और कराने वालों ने भी कराया है, इसलिए पास हो, मुबारक हो। अच्छा, डबल फॉरेनर्स में जो विशेष पांडव सेंटर संभालने के निमित्त है, क्या कहा, कौन निमित्त है? जो पांडव सेंटर संभालने के निमित्त है वो उठो। पांडवों को भी बहुत बहुत मुबारक। बाप दादा को ऐसे नहीं कि पांडव प्यारे नहीं है, पांडव तो पांडव पति के साथ ही है, ये तो यादगार भी बताता है। पांडवों का यादगार सदा ही पांडव पति बाप दादा के साथ रहा है। लेकिन बाप दादा को खुशी है कि बहुत अच्छे एग्जाम्पल बन सेवाधारी बन सेवा कर रहे हैं और सदा करती रहे, इसलिए बाप दिलाराम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छा, डबल फॉरेनर्स की कमाल यह है कि जब भी करते हैं जॉब, क्या करते हैं, अपना धंधा भी करते हैं, सेंटर भी संभालते हैं, डबल कार्य करते हैं, चाहे बहने हैं चाहे भाई हैं, जैसा नाम है डबल फॉरेनर्स वैसे काम भी डबल है, इसलिए बाप दादा सभी डबल फॉरेनर्स को बहुत 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 याद दे रहे हैं। सुना, गुजरात के सेवाधारियों को
कहावत है जो समीप है वो सदा याद रहते हैं। माउंट आबू के लिए समीप जोन कौन सा है? गुजरात। तो अर्ध की बात हुई है। और टॉप मोस्ट स्टेज में रहने वाले के लिए नजदीक जोन कौन सा है? देहद में, जिनकी अज्ञान की रात गुजर गई हो, माने ज्ञानी तू आत्माएं हो, वो सदा याद रहती है। तो सबसे समीप मुख्य स्थान गुजरात का है। अच्छा, गुजरात वालों को बहुत सेवा धारी कौन? गुजरात वालों के लिए बता दिया, रिजल्ट दे दिया, क्या रिजल्ट दे दिया? बहुत सेवादारी। क्यों? कभी भी क्यों है? क्योंकि अज्ञान की रात गुजर गई है तो ज्ञानी तू आत्मा हुए ना, और ज्ञानी तू आत्मा पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे या कम जन्म लेने वाले होंगे? ज्यादा अनुभवी कौन होंगे? जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले होंगे वो ही ज्यादा अनुभवी होंगे। तो गुजरात की विशेषता है, तो जब भी बुलाओ तो पहुंच जाते हैं। है? जब भी बुलाओ तो पहुंच जाते हैं, माने रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री वालों को जब भी बुलाया जाता है तो तुरंत हाजिर हो जाते हैं। ऐसे है ना, जब भी सेवा के लिए बुलाओ आ जाते हैं। तो बहुत फायदा है, नजदीक का फायदा है। सब मुरलियों में पहुंच जाते हैं। क्या? सब मुरलियों में पहुंच जाते हैं। काय में पहुंच जाते हैं? मुरलियों में पहुंच जाते हैं कि अव्यक्तवाणियों में पहुंच जाते हैं? है? मुरली में और अव्यक्तवाणी में कोई फर्क है या नहीं है? क्या फर्क है? मुरली मधुसूदन के द्वारा चलाई जाती है, और कहाँ चलाई जाती है? मधुवन में चलाई जाती है। मधुवन किसे कहा जाता है? यहाँ मधुसूदन हो वहाँ मधुवन नहीं। अव्यक्तवाणी दादियों के डायरेक्शन से चलती है। दादियाँ बुलाएंगी तो अव्यक्तवाणी चलेगी। अब मुरली चलाने वाला जो है कौन है? सुप्रीम सोल या कोई मनुष्य आत्मा? सुप्रीम सोल नाक पकड़ के बुलाया जाता है क्या? कोई दीदी दादी उसको नाक पकड़ करके मुरली चलाने के लिए नहीं बुला सकते। वो जब जाएगा तब अपने आप मुरली चलाता है। और मानसान की दरकार नहीं, बिना बुलाए आता है। मनुष्य आत्माओं को मानसान की दरकार होती है, इसलिए बुलाने से आते हैं। एक आदमी बोलो, बाप दादा के आने जाने की डेट दादियाँ फिक्स करती है, और जब बुलाया जाता है तब ही आते हैं। सुप्रीम सोल को तो कोई मान मर्तबा है नहीं, तो सुप्रीम सोल की जो वाणी चलती है उसको कहा जाता है मुरली। और ब्रह्मा बाबा तो मनुष्य आत्मा है, मनुष्य आत्मा की जो वाणी है वो परिवर्तन नहीं कर सकती, चाहे वो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट कोई भी महान से महान हो, दुनिया फिर भी क्या होगी? नीचे गिरती चली जाएगी। ये अंतर है सुप्रीम सोल की वाणी में और मनुष्य आत्माओं की वाणी में।
एक फायदा है नर्सिंग का, फायदा ये भी है कि सब मुर्गियों में पहुंच जाते हैं। कौन? गुजरात वाले। अच्छा, अब जतवानियों में नहीं पहुंच जाते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं? मुरलियों में पहुंच जाते हैं। माना सुप्रीम डोल की वाणी अभी भी कहीं चल रही है। हाँ, सन्मुख सुनने वाले सन्मुख सुनने का मजा ले लेते हैं। गुजरात सेवा में अच्छा सदा ही रहा है और सदा ही अच्छे रहने वाले कायम है। ज्ञानी तू आत्मा है तो सेवा जरूर अच्छी करने वाले होंगे, संख्या भी ज्यादा है। बाप दादा ने सुना कि अभी तक गुजरात में 1 लाख नहीं बनाए हैं। ज्यादा 1 लाख अभी गुजरात में नहीं बनाए हैं। जब ये गिरते हैं तो कितने सैलग्राम बनाते हैं? मोस्टली बड़े बड़े जब ये गिरते हैं तो 1 लाख तो बनाने का लक्ष्य रखते हैं। अभी 1 लाख नहीं बनाए हैं तो ये थोड़ा सा रहा हुआ है। क्या 9 लाख में से जो भी बड़े बड़े जोन है कितने का नई सृष्टि की शुरुआत होगी? संगम युग 100 साल का पूरा होगा तो कितनी जनसंख्या होगी? सब धर्मों से चुनी हुई शेष आत्माएं कितनी होंगी? 9 लाख। तो कितने ग्रुप के होंगे? 9 ग्रुप के होंगे। तो 9 ग्रुप से जो 9 लाख होंगे उनमें बड़े जोन भी होंगे और छोटे जोन भी होंगे। तो 9 लाख में से जो भी बड़े बड़े जोन हैं, कौन कौन से बड़े बड़े जोन हैं? बेहद में आधे के जोन की बात नहीं हो रही है। हाँ, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धवंशी, क्रिश्चियनवंशी, ये सिख और आर्य समाज छोटे छोटे जोन हैं। तो 9 लाख में से जो भी बड़े बड़े जोन हैं वो 1-1 लाख बना दे तो 9 लाख हो जाए। डबल फॉरेनर्स भी कितने हैं? 50,000 तक। कितने हैं? कोई ने कहा 20,000। अभी 50,000 तक लाओ। चलो, इंडिया को लाख तो फॉरेन वालों को 50 तो लाना चाहिए। विदेश में भी गुजराती बहुत है। क्या था? हाँ, ऐसा नहीं है, वो सब इंडिया वाले ही है, गुजरात के अंदर ही होंगे। गुजरात वाले जिनके अज्ञान की रात गुजर गई है वो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं? विदेशों में भी फैले हुए हैं, बहुत हैं, लेकिन हैं तो फॉरेनर्स ना। क्या है? हैं तो फॉरेनर्स ना। ये जरूर है कि फॉरेन में भी जहाँ जहाँ गुजराती हैं या इंडियन है वहाँ वहाँ भंडारी और भंडारा भरपूर है। अभी अभी बाप दादा खुशखबरी डबल फॉरेनर्स को किसी भी सुनते कि डबल फॉरेनर्स को भी रहा हुआ बरसा मिलता रहता है। तो डबल फॉरेनर्स को ये भी एक भविष्य बनाने का चांस अच्छा मिल रहा है, अच्छा है। समाचार तो बाप दादा सब सुनते हैं, अच्छा है। हर एक की, भारतवासी की चाहे डबल फॉरेनर्स की विशेषताएं तो बहुत, लेकिन कहाँ तक सुनाए? इसलिए हर एक स्थान की कोई न कोई विशेषता है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ कोई विशेषता नहीं, विशेष आत्माएं हो और विशेषता है। आज फॉरेन में सुनूंगा देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? कोई ने कहा? अच्छा है, आपके यज्ञ की स्थापना के बाद ही साइंस ने वृद्धि को प्राप्त किया है, तो उसका फायदा तो कुछ लेंगे ना, लेकिन विधि पूर्वक फायदा लेना है।
तो जो साइंस के साधनों द्वारा देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सभी बच्चों को सबसे पहले बाप दादा सदा याद करते हैं। जितना जितना याद का बल सबसे पहले उन्हें क्यों याद कर रहे हैं है? डबल फॉरेनर्स को या फॉरेनर्स को बाप दादा पहले क्यों याद करते हैं है? नहीं पहले निकलेगा नहीं बाप दादा को कौन प्रत्यक्ष करेंगे विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे भाव क्या साइंस के साधन द्वारा प्रत्यक्षता होनी नहीं है क्या ये साइंस के साधन संसार में बढ़ रहे हैं किसके लिए बढ़ रहे हैं बाप की प्रत्यक्षता के लिए बढ़ रहे हैं हाँ साइंस के साधन सुन भी रहे हैं तो उसका फायदा कुछ तो लेंगे ना आपके यज्ञ की स्थापना के बाद ही साइंस की वृद्धि को प्राप्त की है तो जो साइंस के साधनों द्वारा देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सभी बच्चों को सबसे पहले बाप दादा याद करते हैं दादा और उनको बाद में पहले पहले उन बच्चों को याद करते हैं जितना जितना याद का बल शक्तिशाली होगा उतना ऐसे ही महसूस करेंगे या कर रहे हैं जैसे बाप दादा हमसे ही बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी क्या मधुबन मधुबन ही है दूर बैठे साइंस के साधनों से देख रहे हैं सुन रहे हैं वो तो फिर भी वाइब्रेशन की पावर उसमें डायरेक्ट नहीं मिलती दृष्टि की पावर उसमें डायरेक्ट नहीं मिलती लेकिन जो मधुबन मधुबन है वो क्यों कहा कि मधुबन में तो डायरेक्ट बाप की वाणी मुरली चलती है अच्छा अभी अभी अपनी वृत्ति को एकाग्र कर सकते हो कहाँ भी वृत्ति हलचल में नहीं आए अचल एकाग्र शक्तिशाली रहे अच्छा चारों ओर के तन तन से उन बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को सदा क्षमा के मास्टर सागर सदा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा बहुत कमजोर आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाने वाले ऐसे मास्टर सर शक्तिमान बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार होगा दादी जी से और दादी जानती हूँ आप बताओ सबसे ज्यादा खुश कौन होता है आप खुश होते हैं या आप खुश होती हैं दादा कुमार का दादी ज्यादा खुश होती है या जानकी दादी ज्यादा खुश होती है तुमने जवाब दिया एक दो से ज्यादा अच्छा है बाप दादा जब आप निमित्त आत्माओं की सेवा को देखते हैं तो सेवा पर बल आ जाते हैं संभालने की विधि अच्छी है बाप दादा आप दोनों का सारे विश्व के आगे स्नेह सहयोग और एक दो को सहानुभूति देख हर्षित होते कहा गुलजार दादी भी है दो दादियां नहीं है त्रिमूर्ति वो तो निमित्त होगी आपको देख करके एक दो ने कहा और मानो इस बात की निमित्त हो गई है उसका तो नाम ही है गुलजार आपको देख करके एक दो में कहा और मान लिया ये मानना ही माननीय मना बनाता है हाँ जी करके हुजूर को भी अपना बना लेते उनका बाबा ने कूट कूट करके भर दिया है 14 वर्ष की पालना में सब कूट कूट करके ही डाल दिया है उनका अभी भी छोड़ता नहीं आप छोड़ सकती हो जब आप नहीं छोड़ सकती हो तो बाप दादा कैसे छोड़ सकते हैं क्यों छोड़ेगा बहुत अच्छा ये साथी भी आपके अच्छे हैं सबका साथ है सभी आगे बढ़ रहे हैं एक छोटी का भी साथ नहीं हो तो हलचल हो जाए
सबका चाहिए ना, चाहे पांडव हो चाहे शक्तियां हो, एक एक का सहयोग सफलता को प्राप्त कराए रहा है। आप ये नहीं समझना हम तो सिर्फ देखने वाले हैं, नहीं करने वाले। सर्व के सहयोग से बेहद का कार्य चल रहा है। ब्रह्मा बाप ने फाउंडेशन क्या डाला, सहयोग का फाउंडेशन डाला। क्या अकेला बाप दादा कर नहीं सकता क्या, लेकिन फाउंडेशन सहयोग का डाला तो सहयोग से ही संसार बदल रहा है। अच्छा, सबका सहयोग है, एक एक रतन विशेष रतन है। विष्णु पार्टी कब से निकली, 98 से। तो ग्रुप क्लियर हो गया है, दक्षिण भारत में हुआ, क्यों नहीं क्लियर होगा? दक्षिण भारत में भी होगा, बम्बई में भी होगा, हैदराबाद में भी होगा। दादियों की 14 साल की पालना है, कौन सा पालना? 14 साल की पालना, दादियों की पालना है, वो बाप दादा की पालना है। नवासी से किसकी पालना थी एडवांस में, दादियों की पालना थी, पाकर बाप की है। बाबा ने कहा 15 दिन के बाद करने के लिए, वो जितना भी रोक रहे हैं उतनी ज्यादा और ज्यादा भीड़ बढ़ रही है, अभी भरा हुआ है एडवांस में, फुल हाउस होगा, हो गया है, हो गया ना, करूँ बड़ा तैयार हो रहा है बड़ा। खेत वाले हैं, खेत वाले उनका और बड़ा हाल तैयार, पहले दूंगा बड़ा। उनकी खेती है, वो तो शिवालिक पहाड़ियों में रहने वाले हैं। को माना घर, किसके घर में रहने वाले शिवालिक? टीवी में कहीं शंकर जी को शिव को दिखाया जाता है कि उनके ऊपर छत पड़ी हुई है? उनके बच्चे भी ऐसे होंगे, बच्चे भी वैसे। मामा नष्टमो वाले को सर्दी गर्मी नहीं लगती है, ये बड़ी से बड़ी छत है, बहुत बड़ी छत छाया है, खुली छत छाया है। अंत के भी अंत का अंत के जन्म में प्रवेश करते हैं। मम्मी के 3 दिन हुए, सुबह हो जाए इनका 81 हो गया है, इनका माता वाले जन्म था, 81 जन्म था क्या? अगर आता है बाप के बच्चे